उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। चक्रातक के आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी से व्यवसायियों, किसानों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि अक्सर इन चोटियों पर नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सीजन की ये बर्फबारी काफी देरी से हुई। बता दें कि लंबे समय से किसान और बागवान बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। आमजन बारिश और बर्फबारी समय से न होने पर काफी चिंतित थे। वहीं आसमान से बर्फ के फोहे गिरते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद किसान बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। होटल व्यवसायी भी काफी खुश हैं। चकराता से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चकराता में, जो कि बहुत ही समय बाद हुई है। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि इतने टाइम बाद बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में बर्फबारी होती थी और जो कि इस बार जनवरी लास्ट में बर्फबारी 31 जनवरी को हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और होटल व्यवसायियों के पूरे चकराता में चेहरे खिले हुए हैं लोखंडी वाले में। और टूरिस्ट जो है सबकी यही इच्छा थी कि हम लोग बर्फ में ही लोखंडी आएंगे, और टूरिस्ट सब खाली था, पूरा चकराता पूरा लोखंडी खाली था, लेकिन अब जो है सब होटल कारोबारियों के चेहरे खिले।